दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे सबसे पहले मिले। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? कल क्या होगा बाजार में, आज क्या हुआ, परसों क्या होगा, बड़ा दिमाग खराब होता है इन सवालों को सुन के, होता है ना? ठीक है, लाइव सेशन में आओ, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 2:30 बजे डेली करते हैं और शाम को मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को करते हैं रात को 9 बजे। निफ्टी डिस्कशन करते हैं, बैंक निफ्टी डिस्कशन करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके सवाल जवाब करते हैं, कुछ सिखाते भी हैं यार, ठीक है ना? तो आया करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। चलो आप देखते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कल आज का बाजार कैसा रहा, कल क्या करेंगे और कौन से फैक्टर थे जिन्होंने बाजार को आज मूव कराया, क्या स्थिति दिखाई देती है FIIs की तरफ से और क्या ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें ये सपोर्ट करते हैं कि क्या बाजार यहां से बाउंस कर सकता है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं कि क्या बाजार यहां से बाउंस करेगा, क्या 11,000 का सपोर्ट बाजार लेगा या टूट के क्रैश हो जाएगा, 10,600 तक चला जाएगा। इन सवालों के जवाब लेने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, टाइम हो तब ये देखिएगा, नहीं तो आधी अधूरा ज्ञान तो किसी काम का होता नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है मैंने, 5 मिनट्स का चार्ट है और इस 5 मिनट्स के चार्ट पे निफ्टी ने जो लो लगाया है, यहाँ पे लो तो हालांकि निफ्टी ने 11,084.85 के आसपास का लो लगा दिया था और जो वापस एक क्विक बाउंस आया वो 11,128 से आया। दोस्तों हम काफ़ी दिनों से अपने जब सेशन की बात कर रहे थे, जब हम कह रहे थे कि 11,556 निफ्टी सस्टेन नहीं होगी, टूटेगी यहाँ से टूटेगा बाजार, लगातार हम RSI डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे, 5 मिनट के चार्ट पे, आधे घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, 1 दिन के चार्ट पे, सब पे डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रही थी, रिलायंस के अंदर में, निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में, हम क्लियर थे कि बैंक निफ्टी कुछ बवाल करने वाली, कुछ गड़बड़ होने वाला है। वही हुआ, बाजार गिरा, कहाँ से गिरा, बाजार का हमारा टारगेट था 11,130 के आसपास का, 11,236 के आसपास का, बाजार ने आज एग्जैक्टली वही लो लगा के उसी 236 के लेवल को बाजार ने सस्टेन किया, 130-126 के आसपास का बाजार ने एक सपोर्ट बनाया, वापस रिट्रेस हुई और 236 के आसपास तक गई और यहाँ से वापस निफ्टी बंद हुई है 530 के आसपास में। निफ्टी की क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और लास्ट कैंडल है, ये बताएगी हमें कहाँ क्या हुआ है, 11,175 के आसपास निफ्टी क्लोजिंग हुई है। अब बाजार में कल क्या करेंगे, कल निफ्टी कैसा बिहेव करेगी दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैंने एक रेंज आपके लिए मार्क की है, एक रेंज मार्क की है 11,237 की और दूसरी लोअर रेंज रहेगी 11,175। तो आज की क्लोजिंग अगर मैं 11,175 को पकड़ लूँ तो यहाँ से मेरे जो टारगेट्स निकल के आएंगे दोस्तों, मैं अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से अपने लेवल निकाल लेता हूँ, उसके बाद बाकी खेल करता हूँ मैं। अब 192 से ऊपर चलेगा तो बाजार हम बाइंग करेंगे 11,192, यहाँ पे हम 10-5 पॉइंट इसमें एरर मार्जिन डाल लेंगे। 11,157 से नीचे चलेगी बैंक निफ्टी, 11,157 से नीचे निफ्टी वीक होने वाली है और 11,200 के आसपास से निफ्टी तेज हो जाएगी, इंट्राडे में एक बाउंस बैक हो सकता है, सपोर्ट ले सकती है निफ्टी यहाँ पे, इस लेवल को सपोर्ट कर लेने में अगर कामयाब होगी कल, अगर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है 100-175 अगर ये पार हो जाता है, डिसाइसिव पार हो जाता है, तो फर्स्ट टारगेट कुड बी 11,236। 11,236 के बाद ये वापस से ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाएगा, वापस से निफ्टी 11,300-350 के लिए चल पड़ेगी, एक फेयर मूव आनी चाहिए आराम से। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि बाहर के बाजार आज कैसा बिहेव करते हैं, US मार्केट कैसी रहती हैं, क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं बाजार को। अगर एक नज़र हम आज डालने की कोशिश करें FIDI डेटा के ऊपर, गूगल से जाके पूछ लिया करो, बहुत आसान है और मनी कंट्रोल और NSE दोनों के लिंक आ जाते हैं, अब जिसको भी क्लिक करेंगे डेटा ऑथेंटिक ही होगा आपके पास, इस डेटा में कोई भी लूप होल नहीं होने वाले हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि पूरे टाइम बाजार में सेलिंग चल रही थी और आज 22 सितंबर को FIIs ने 2000 करोड़ का माल बेचा है, 2000 करोड़ का, कल जो कि DIIs ने 878 करोड़ की बाइंग करी है। अब यहाँ पे जो डेटा है, डेटा क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि FIIs तो इस महीने में नेगेटिव में है ही है और DIIs भी इस महीने में अपना माल बेच के बैठे हुए हैं, थोड़ी सी बाइंग उन्होंने आज करने की कोशिश की है तो निचले स्तरों पे बाइंग देखने को मिली है। तो मोटा मोटा ये जो हिसाब किताब है बाजार को मंदी की तरफ लेके जाता दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल बाजार गिरा ही इसलिए क्योंकि 11,556 को सस्टेन नहीं कर पाया, वॉल्यूम के साथ उसको अगर सस्टेन करता, डिसाइसिव मूव आती तो सोचते बाजार चलेगा, बट बाजार के चलने की स्थिति नहीं दिखाई दी। अगर हम आज देखने की कोशिश करें कि टॉप गेनर और टॉप लूजर्स क्या रहे निफ्टी के, तो ये NSE का लिंक है, जाओ फिर से गूगल की हेल्प लो, नहीं तो NSE की वेबसाइट पे जाओ, लिंक को सर्च कर लो, नहीं कर सकते गूगल कर लो, सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे गेनर्स भी रहे आज, गेनर्स कौन से रहे, कल के बाजार में गेनर्स कम थे दोस्तों, तो इसका मतलब जो बाइंग हुई है, जो DIIs ने बाइंग की, वो कहाँ बाइंग की है, HCL टेक में, TCS में, टेक महिंद्रा, IT कंपनीज, टॉप 3 IT कंपनीज, देन सन फार्मा, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला, ICICI बैंक में आपको कह रहा हूँ कि ICICI बैंक में एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है, एकुमुलेशन फेज में ICICI बैंक जा रहे हैं दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रेड्डी, भारती एयरटेल। और लूजर्स जो हमारे रहे, देयर वाज जी लिमिटेड, इंफ्राटेल, अदानी एयरपोर्ट्स, गेल, इंडसइंड बैंक, मारुति, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, L&T एंड BPCL, ये आज के टॉप लूजर्स रहे और ये आज के टॉप गेनर्स रहे। तो अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें कि कल
टॉप गेनर जो रहा HCL Tech, क्या वो कल भी गेन कर सकता है? चलिए देखने की कोशिश करते हैं. दिस कुड बी द स्टॉक ऑफ द डे. तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट HCL Tech, TCS एंड विल फाइंड आउट वन लूजर ऑल्सो विच इज Zee Limited. चलो Zee Limited, HCL Tech एंड TCS. इससे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी. दोस्तों बैंक निफ्टी भी अगर 21,202 से ऊपर पार हो जाती है और ये एक रेंज मार्क कर लेते हैं हम 21,400, मतलब 21,400 21,222 के आसपास का एक रेंज रहने वाली है. और आज की जो क्लोजिंग रही बैंक निफ्टी की 21,222 की रही और हमारा कैलकुलेटर हमें क्या कहता है 21,222 को अगर पकड़ के बैठे हैं ये लेवल क्या निकल के आएंगे दोस्तों 21,300 से ऊपर में ब्रेकआउट आ जाएगा. ठीक है, तो इंट्राडे में बाइंग हम करने वाले 21,246 से ऊपर बाइंग करने वाले हैं, 21,197 मोटा मोटा 21,200 से नीचे सेलिंग करने वाले हैं. टारगेट हमारे रहेंगे 21,319 के आसपास और 319 के बाद ब्रेकआउट आ जाएगा गाइस. ये 400 और 600 के लिए बैंक निफ्टी चल पड़ेगी. तो ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मूव हमारी होने वाली है 21,222. ये जो लेवल है 219-222 इसके ऊपर ब्रेकआउट आराम से इसको 400 के लिए लेके चला जाएगा. तो यहाँ पे इन लेवल से आप नजर रखिएगा. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर टू फॉलो कि दिस इज ऑल माय ऑब्जर्वेशन माय रीडिंग्स. आई एम शेयरिंग माय लेवल्स माय रीडिंग्स विद यू. अगर आपको लगता है ये आपके काम के हैं, अपनी एनालिसिस से मैच करते हैं, आपके एडवाइजर से मैच करते हैं, तो ट्रेड लीजिएगा वरना आप इग्नोर कर सकते हैं. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग HCL Tech. देखिए HCL Tech ने भी आज अगर 22 तारीख का सुबह HCL Tech ने 791 का लो लगाया था. 791 का लो लगाने के बाद वो जबरदस्त रिकवरी दोस्तों इस रेंज को पार करने में कामयाब हुआ, 819 को पार करने में कामयाब हुआ. जो एक गैप था एक गैप फिल हुआ गाइस. ठीक है, तो 819 का गैप से ब्रेकआउट दिया इसने और अभी 825 की क्लोजिंग हुई. तो अगर हमारा HCL Tech 825 की क्लोजिंग दे रहा है तो कल के लेवल क्या होने चाहिए गाइस, बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. TCS डिस्कस करेंगे इसके बाद में. 841 से ऊपर ब्रेकआउट आएगा गाइस, 841 से ऊपर चलेगा तो ही ट्रेड करेंगे वरना ट्रेड नहीं करेंगे. तो 841 के लेवल हमारे जो आएंगे ये गाइस ये लेवल है. ठीक है ना, यहां से पहले कोई ब्रेकआउट नहीं आएगा तो एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है. और इंट्राडे के लिए 829 से ऊपर चलेगा बाय करके बैठेंगे, 823 से सेल करेगी. 820 से ऊपर 829 से ऊपर चलता है तो 844 के टारगेट के लिए चलेंगे और 844 के बाद ब्रेकआउट फॉर 870 एंड 900. तो वॉच आउट HCL Tech कुड बी डिसाइसिव मूव. 829 से ऊपर चलता है 820 का स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे और 820 से नीचे गिरता है तो 829 का स्टॉप लॉस लगा देंगे. आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना आना चाहिए, ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करोगे सब बेकार हो जाएगा. सो नाउ नेक्स्ट स्टॉक विल बी TCS. TCS का चार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है. बाजार का जो खुला था बहुत ही लो लेवल पे खुला, 2457 के आसपास का लो लगाया, इस रेंज को इसने ब्रेक किया और उसके बाद एक डिसाइसिव मूव आई, यहाँ पे सस्टेन हुआ और यहाँ पे बाजार इतना हाई मारने के बाद एक डाउनफॉल आया अच्छा खासा. यहाँ पे बाजार ने एक फिर सपोर्ट लेने की कोशिश की है और क्लोजिंग हुई है 2527 के आसपास में. 2527 की क्लोजिंग हमें क्या बताने की कोशिश करती है गाइस, इट्स ऑल नंबर गेम, आई बिलीव इन नंबर्स. तो ब्रेकआउट हो चुका है गाइस, 2500 से ऊपर 2550 की मूव आ सकती है, ये लेवल मेंटेन हो सकता है. ये 2518 का स्टॉप लॉस आप लगा के मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं और ये देखिए एग्जैक्ट 2518 का स्टॉप लॉस निकल के आएगा, सेल बिलो 2518 और बाय अबाउट 2535, ये स्टॉप लॉस रखना होगा आपको. और फर्स्ट टारगेट विल बी 2560-2560 विच विल बी अबाउट टारगेट वन, सेकंड टारगेट विल बी 2594 विच विल बी अराउंड 2601. नाउ लेट्स गो टू द चार्ट एंड फाइंड आउट Zee Limited, हाउ Zee Limited विल बिहेव टुमारो. इट वॉज सी टॉप लूजर टुडे, आज का लूजर कल का गेनर हो सकता है गाइस, ये ध्यान रखिएगा. गाइस Zee Limited में तेज होने की संभावनाएं थोड़ी कम दिखाई देती हैं, हालांकि बहुत ही रिस्की स्टॉक है और यहाँ पे 196 के आसपास का लो बना के 196.7 पे ही क्लोजिंग हुई है, लो के आसपास ही बंद हुआ है स्टॉक के. और यहाँ पे 196 को अगर पकड़ ले तो हमारा चार्ट बेसिकली 196 एकदम सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे. तो वॉच आउट क्या करना होगा, 198 से ऊपर चलेगा 193 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, बाय करके बैठेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 205, देन 205 से ऊपर में 210-225, दिस वुड बी द लेवल. गाइस आई होप कि ये लेवल आपके कुछ काम में आएंगे, आप इसको देख के अपनी एनालिसिस के साथ मिक्स कर सकते हैं. जाइए स्टडी कीजिए, डेटा पॉइंट्स को पढ़िए, चार्ट को पढ़िए, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर अगर ले लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है तो उसको इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं. सेशंस में आइए डेली दोपहर 2:30 बजे और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 9 बजे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.